channels of YouTube. जुनैस फ्रेंड, जुनैस ग्लोबल 9th सितंबर 2009 को शुरू हुई. जब जुनैस शुरू हुई तो ये एक कंपनी थी, बट आज की डेट में ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी है. जुनैस के जो ओनर्स हैं, रैंडी रे एंड वेंडी लुइस. रैंडी एंड वेंडी ऑलरेडी मल्टी मिलियनर कंपनीज चला रहे थे. इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये नासा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, जिनमें इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था मार्स पे नासा का सबसे पहला प्लेन जो गया था, वो एंटायर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एंड वॉज हैंडल्ड बाय रैंडी एंड वेंडी लुइस कंपनी. जुनैस 144 कंट्रीज में प्रेजेंट है और इंडिया को इंक्लूड करके ये नंबर हो जाता है 145. जुनैस की अगर मैं इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करूं, बड़े से बड़े न्यूज चैनल जैसे CNN, BBC, ABC7 अमेरिका, न्यूज जर्नल्स की बात करूं तो बड़ी से बड़ी मैगजीन्स प्रोफेशनल, कॉस्मोपॉलिटियन, फोर्ब्स मैगजीन, बाजार, स्टाइल, ऑडी एंड वोग. ये रिसेंट इंटरव्यू है एक इंडियन एक्ट्रेस सोहा अली खान का, जिसमें ये बता रही है कि जो बेस्ट प्रोडक्ट अभी तक इन्होंने यूज किया है उसमें जुनैस को ये नंबर वन रैंक कर रही हैं. फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि जुनैस ने इंटरनेशनली क्या नंबर्स अचीव किए हैं. 2012 और 2015 में DSA की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ओनर का अवार्ड जुनैस की ओनर को, फास्टेस्ट ग्रोइंग DSA कंपनी 2014 में, टॉप विनर इन अमेरिकन बिजनेस अवार्ड्स 2017, INC 500 की लिस्ट में ये DSA की सबसे पहली कंपनी है, कंपनी ऑफ द ईयर इन 2017, टोटल 228 अवार्ड्स इंटरनेशनली सिर्फ 7 साल में. जुनैस 1 बिलियन एंड बियॉन्ड. 2015 में जब जुनैस ने $1 बिलियन का टर्नओवर अचीव किया तो जुनैस वर्ल्ड की टॉप $1 बिलियन कंपनी की रेस में शामिल हो गई, जिसमें वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स लाइक एप्पल, गूगल, फेसबुक आते हैं. 4 साल लगे अमेजन को $1 बिलियन की टर्नओवर करने के लिए, 5 साल लगे गूगल को. 2015 में जुनैस ने 6 साल में $1 बिलियन की टर्नओवर को कंप्लीट किया और नेक टू नेक कॉम्पिटिशन में आ गई है ये कंपनी एप्पल एंड फेसबुक जैसे ब्रांड्स के साथ. आइए चलते हैं फ्रेंड्स इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए. $500 बिलियन से ऊपर की इंडस्ट्री है जिसमें डील करते हैं ये जुनैस के प्रोडक्ट्स. जुनैस के साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड की बात करूं तो इस बोर्ड में शामिल है डॉक्टर निथन न्यूमैन, डॉक्टर विंसन जीएम पापा, डॉक्टर विलियम एल्जलैक, डॉक्टर डोना एंटारा. आइए आपको लेकर चलते हैं जुनैस के प्रोडक्ट्स की ओर. सबसे पहली बात करेंगे लुमिनस की स्किन केयर रेंज के बारे में. ये वर्ल्ड की सबसे पहली स्टेम सेल बेस्ड कॉस्मेटिक रेंज है जो एक नॉर्मल स्किन केयर रेंज नहीं है. ये काम करती है रीजेनरेशन पे. रीजेनरेशन का मतलब पुनर्जन्म. ये आपके स्किन को 10 से 15 साल पहले जो आपकी अपीयरेंस थी वो अपीयरेंस आपको देती है. आप यहाँ कुछ टेस्टिमोनीज देख सकते हैं कि कितने बड़े आफ्टर इफेक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करके. सेकेंड प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा, वो प्रोडक्ट है रिजर्व. रिजर्व का जो कंपाउंड है मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेंट रेजवेराट्रॉल, उसकी रिसर्च को 2005 में नोबेल प्राइज नॉमिनेट हुआ था. एक सेशे अगर रिजर्व को हम रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं. वो साइड इफेक्ट बहुत फनी साइड इफेक्ट्स हैं. वो क्या है? नो प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर, रिडक्शन इन रिस्क ऑफ कैंसर, नो हार्ट रिलेटेड डिसीजेस एंड नो डायबिटीज. और हाँ फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको है भी तो ये प्रोडक्ट्स जो रिजर्व ये प्रोडक्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट है जुनैस ग्लोबल का, ये आपको उन प्रॉब्लम्स को क्योर करने में हेल्प करेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट. ये रिसर्च मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिसर्च है और एक बहुत ही प्रूवन साइंस है. AMPM, आइए बात करते हैं AMPM के बारे में. जिस डॉक्टर ने इस AMPM को इंट्रोड्यूस किया उनका नाम है विंसन जीएम पापा. वो वर्ल्ड के सबसे पहले एंटी एजिंग फिजिशियन हैं जिनको 2014 में AMPM की रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज नॉमिनेट हुआ. फ्रेंड्स, अगर मैं नोबेल प्राइज की बात कर रहा हूँ, नोबेल प्राइज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस प्राइज है, उससे ऊपर कोई प्राइज नहीं है. तो आप सोच सकते हैं नोबेल प्राइज नॉमिनेट हुआ, प्रोडक्ट्स की साइंस इतनी एडवांस है कि आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में DNA पे काम करने वाले, टेलोमेरा पे काम करने वाले इतने एडवांस प्रोडक्ट्स बने ही नहीं हैं.
AMPM आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है, आपके डीएनए रिपेयर पे काम करता है। AM इज फॉर मॉर्निंग, PM इज फॉर इवनिंग। AM आपको पूरे दिन की एनर्जी देता है और PM आपके दिन में जितने भी डैमेजेस हुए हैं उन्हें रिपेयर करता है। Zen Body वर्ल्ड का बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको प्रमोट करते हैं मार्क मैकडोनल्ड। मार्क मैकडोनल्ड न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर है और CNN पे एक रेगुलर फिटनेस एडवाइजर भी हैं। जुनैस ग्लोबल के डिस्ट्रीब्यूटर मीट्स एंड सेमिनार को देखकर ही आपको अंदाजा लग जाता है कि कंपनी की ग्रोथ क्या है और दुनिया में जुनैस ग्लोबल कंपनी की तरह नहीं काम कर रही है, ये ग्लोबल मूवमेंट की तरह बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि जिस एरिना में इस बार रियो ओलंपिक्स हुए थे उस एरिना का नाम जुनैस एरिना रख दिया गया है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जुनैस ने सिर्फ 7 साल में टॉप 15 कंपनीज में अपनी जगह बना ली है। और फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करूं तो आज डायरेक्ट सेलिंग की टॉप 100 अर्नर्स की लिस्ट में 19 डिस्ट्रीब्यूटर जुनैस के हैं, जो हाईएस्ट नंबर है किसी भी कंपनी के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि आप कितना बड़ा पैसा एक लेजिटिमेट, एक वर्ल्ड क्लास, एक वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी जिसकी टर्नओवर एप्पल और फेसबुक के साथ मैच करती है, ऐसी कंपनी के साथ कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं।